अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अब ये कुवैती को पकड़ा गया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। और आप भी ये गलती करते हैं और आप भी सोचते हैं कि इस तरीके से हम वीज़ा पाए हैं तो हम कहाँ पर काम करेंगे, तो उसके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं किसी भी तरीके का, तो अभी सावधान हो जाएं। अगर कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कामकाज कर रहा है, तो अभी देखिए 10 लोगों को पकड़ा गया है ऐसे, जो क्या कुवैत के अंदर जिस सामान का बैन था वो लोग वो सामान को सेल कर रहे थे, बेच रहे थे, वो सामान का काम कर रहे थे, तो 10 लोगों को पकड़ लिया गया है। तो आप बिल्कुल भी इस तरीके का काम ना करें। और अभी कोई भी बंदा कहीं पर भी, आपको कोई भी खबर मिलती है कि भाई सामान जो भी मार्केटों में रखा हुआ है उसके सामान की प्राइस बढ़ाने को लेकर किसी भी तरीके से, तो मिनिस्ट्री ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी अभी सामान की प्राइस नहीं बढ़ा सकता और इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी इस तरीके की नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। तो एक बड़ी खबर है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहमदी एरिया में बहुत सारे मामले इस तरीके के सामने आ रहे थे, पहले भी लगभग 18 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल में अभी एक बंदे को पकड़ा गया है जो क्या कुवैती नागरिक था और उससे पूछताछ वगैरह में सारी चीज़ों को क्लियर किया गया। तो उसने बताया सारे मामले मैंने ही किए। मामले क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बंदा अपने नॉर्मली ड्रेस जो कुवैती लोग पहनते हैं उसमें प्रवासियों को धमकाता था, डराता था और उनसे सिविल आईडी जो था पूछता था। जैसे वो सिविल आईडी निकालते थे उनसे फिर जुर्माना वगैरह लगाता था और कहता था इतना दो इतना दो। मामला दर्ज हुआ, उसके बाद में इसको पकड़ा गया, तो इनने सारे मामले कबूल किए कि मैंने ही ये किए हैं। तो इस तरीके से आपके साथ में धोखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चीज़ों को जरूर से ज़रूर अपने जहन में रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है वीडियो कॉल के हवाले से। जैसे कि हमने आपको 2-4 दिन पहले एक वीडियो कॉल भी दिखाया था कि आपने वीडियो कॉल से बच के रहना है, और कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल का मैसेज के थ्रू, तो आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी है, ना ही ओटीपी, अपना एटीएम कार्ड का नंबर, कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी चीज़ आपने किसी को नहीं देनी है। तो ये एक बड़ी खबर है। आपने अगर दे दिया तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी तो, अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारा आज़ाद वीज़ा है तो क्या हम कहीं पर भी खुले में काम करेंगे तो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा ही मामला एक सामने आया है, एक बंदे को पकड़ा गया पाकिस्तानी, और जैसे उसको पकड़ा मिनिस्ट्री की टीमों ने, उसने जब पकड़ने के बाद में लेके गए तो उसको पूछा गया सारी चीज़ें क्योंकि, तो उनने बोला मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। उसने बताया मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, जब ये सारी चीज़ें हुई, इंक्वायरी हुई, तो उसने कहा मैंने 500 KD दिया है, अपने कफिल को मैंने 500 KD दिया है बाहर काम करने का, तो मुझे पकड़ क्यों रहे हो आप। और जब ये छानबीन हुई, उसके कफिल को बुलाया, तो उसके कफिल को 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो आप खुद सोचिए, जितने भी लोग इस तरीके से कामकाज करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से अब जेल होंगी। आज़ाद वीज़ा इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कफिल के पास में जा रहे हैं तो उसी के अंडर में आपको काम करना रहेगा, और किसी भी तरीके से कंपनी में जा रहे हैं तो वहीं पर आपको काम करना रहेगा। इधर उधर घूम के आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। आपका कफिल आपको छोड़ देता 1000 KD या फिर 500 KD या फिर 200 KD ले लेता और कहता कहीं पे भी काम करो, तो ये बिल्कुल पूरे तरीके से इलीगल है। तो आपने ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल, अपने फैमिली वालों का ख्याल, टेक केयर, बाय बाय।